नमस्कार, मैं राकेश सेठी टी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। चाय की तलब एक ऐसी तलब है कि बस एक बार लग जाए तो बिना चाय पिए तो आपको आराम आने ही नहीं वाला है। ऐसे में यदि बाहर बहुत गर्मी हो, कड़कदार धूप हो, आपको चाय की तलब लग गई, क्या करेंगे आप? हमारे पास इसका सलूशन है। आप सोचिए एक बारी, आपको चाय भी मिल जाए, उसमें संतरे के रस की एनर्जी हो, पुदीने की पत्तियों की ताजगी हो और ठंडी चाय हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिट्रस टी कूलर की। तो हमारे पास यहाँ पानी उबल रहा है, इसमें हम कुछ टी बैग्स डालेंगे चाय पत्ती के। आप चाहें तो किसी मलमल के कपड़े में थोड़ी सी चाय की पत्ती डालकर इसमें छोड़ दीजिए, यदि टी बैग नहीं है। जब ये चाय बन जाए, इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो हम चाय बनाएंगे और बनाने के बाद उसको एक बोल में निकाल लेंगे और इसको हम थोड़ी सी बर्फ डाल के ठंडा कर लेंगे। थोड़ा ठंडा कर लें, उसके बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए तो इसको इस ब्लेंडर में डालेंगे हम। और बर्फ के साथ ही इसमें हम कुछ पत्तियां पुदीने की डालेंगे। पुदीने की पत्तियों को हम हाथ से तोड़ लेते हैं, एकदम ताजा। और यकीन मानिए, ये पुदीना इसको एक ऐसा रिफ्रेशिंग टेस्ट देता है कि बस पूछिए मत। और साथ ही में डाल लेंगे चीनी। आप चाहें तो शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर हम चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। शहद हम बाद में डालेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। इसमें हम डाल लेते हैं चीनी इसको मीठा करने के लिए। आम चाय से थोड़ी ज्यादा मीठी होती है ये। अब इसके अंदर हम डालेंगे एनर्जी के लिए ऑरेंज जूस। यहाँ हमारे पास संतरे का रस है, इसको डाल लेते हैं और इसको ब्लेंड कर लेते हैं। इसको जितना ठंडा करेंगे उतना ज्यादा इसका इफेक्ट होगा और स्वाद भी होगा। इसको डालने से पहले हम ग्लास के अंदर थोड़ी बर्फ डाल लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक नींबू का स्लाइस। आइए इसमें डाल लेते हैं ये नींबू का स्लाइस और साथ ही में निचोड़ लेते हैं थोड़ा सा नींबू का रस भी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी शहद, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि हम दोनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम शहद डालेंगे। अब इसमें चाय डालते हैं जो हमने अभी मिक्सी में ब्लेंड करी है, और चाय के साथ ही इसमें हम इसकी फोम भी डाल देंगे। इसमें टी पोर कर देते हैं और एक चम्मच की सहायता से जो फोम है, आप देखिए जो फोम झाग बनी है इसके ऊपर, इसमें मिंट का फ्लेवर है, तो ये एक मिंट फोम है जो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब बारी आती है इसको सजाने की, तो आइए इसको हम एक लेमन वेज के साथ सजा लेते हैं। नींबू का एक वेज लेंगे और इसको इस तरह से स्लिट करके ताकि ये ग्लास में लगाया जा सके, इसमें हम ये लगा लेते हैं। और अब इसके ऊपर हम एक मिंट का स्प्रिग लेंगे और इस स्प्रिग से सजा लेंगे इस ग्लास को। तो लीजिए जनाब, हमारा सिट्रस टी कूलर तैयार हो चुका है। इसको आप देखिए, आप पहले सोचिए, चाय, ठंडी चाय मिल गई, गर्मियों का मजा दुगना हो गया, चाय का तलब भी पूरी हो गई, लेकिन हमने ली आइस टी। आइस टी में हमने संतरे के जूस की एनर्जी डाली है, विटामिन सी से भरपूर हमने संतरे का रस लिया, उसको हमने ब्लेंड कर दिया चीनी के साथ और साथ ही में हमने टिंच दिया एक ऑरेंज जूस, एक सिट्रस टिंच अलग से डाला है, बिल्कुल कंट्रास्ट देते हुए, और पुदीने की फ्रेशनेस। यकीन मानिए,
इतनी बढ़िया ड्रिंक गर्मियों के लिए ऐसे है जैसे अमृत पी रहे हैं आप। इसको बनाकर देखिए, पीजिए, मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए। इसका रिकैप देख लीजिए, फिर इसको बनाते हैं। सिट्रस टी कूलर बनाने के लिए एक सॉस पैन में 2 कप पानी में 3 टी बैग्स को बॉईल करें और ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक ब्लेंडर में तैयार की हुई ठंडी चाय, कुछ मिंट की पत्तियां, 1/2 कप चीनी, 1 कप संतरे का रस डालकर ब्लेंड करें और एक ग्लास में निकालकर लेमन के स्लाइसेस और मिंट की पत्तियों से गार्निश करें और इन्हें ठंडा सर्व करें।